हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी के बारे में कि किस तरीके से पीएचडी परस्यू करते हैं, किस टाइप की क्वेरीज होती हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी हमारे नेट जीआरएफ के स्टूडेंट से कि किस यूनिवर्सिटी में उन्हें पीएचडी करना चाहिए, उन्हें किन इंपॉर्टेंट बातों के बारे में ध्यान रखना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग पीएचडी। सो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है शुभम सिंघानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और आज हमारे साथ हैं शशांक विक्रम प्रताप सिंह, जो कि वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी परस्यू कर रहे हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। तो आज हम इनकी स्किल्स लर्निंग एंड एक्सपीरियंस से सीखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से हमें अपनी पीएचडी को परस्यू करना चाहिए। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज अनुज जिंदल यूजीसी नेट। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शशांक से बात करते हैं। आइए शशांक। तो शशांक, मैं वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल अनुज जिंदल में। पीएचडी कोर्स परस्यू किया तो थोड़ा सा आपसे जानते हैं कि आपकी कैसी जर्नी रही है, थोड़ा उसके बारे में हमें प्लीज बताइए। धन्यवाद। मेरी स्कूलिंग रही है मेरी बलिया से ही, जहाँ से जो मेरा होम टाउन है बलिया, जो कि बनारस से 110 किलोमीटर दूरी पे है, इस यूपी में आता है। वहाँ से मैंने 12वीं की पढ़ाई पास की। देवस्थली विद्यापीठ एक स्कूल है जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का स्कूल है, उन्होंने उस एरिया में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन खोला था। फिर 2012 में ट्वेल्थ पास करने के बाद अच्छा परसेंटेज आया, फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आया, दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर ग्रेजुएशन किया 2015 में। फिर मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस दिया, वहाँ पर मेरा 14th रैंक था ओवरऑल। फिर मुझे आसानी से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मिल गया। फिर मैंने 2017 में मास्टर्स कंप्लीट की, फिर पीएचडी का एंट्रेंस दिया। इन बिटवीन मैंने नेट जीआरएफ का एग्जाम दिया और क्लियर किया उसी सेकेंड ईयर, होपफुली इन सेकेंड ईयर में। फिर जब पीएचडी का एंट्रेंस दिया तो मेरा फर्स्ट रैंक आया, फिर आई वाज वेरी एक्साइटेड। सो फिर एमफिल पीएचडी मैंने परस्यू कर ली एंड दैट्स व्हाट माय जर्नी इज बिफोर यू। That's a very impeccable journey, I must say, Mr. Shashank. और मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि कितना challenging रहा होगा इनके लिए outside Delhi आके इतने सारी struggles करते हुए अपने सारे courses और अपने academic record को maintain करने में। So मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कितना ज़्यादा helpful है ये academic record in order to pursue PhD, या किस तरीके से ये जो academic record रहा है आपका, उसने आपको help किया पीएचडी परस्यू करने में या फिर पीएचडी का इंटरव्यू क्रैक करने में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए शशांक। जी बिल्कुल, पीएचडी इंटरव्यू जो होता है वो बहुत ही रेगरस होता है। बेसिकली जो हम सिनॉप्सिस बनाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, पूरा हमें जो सिनॉप्सिस बना के देते हैं उसको पूरा डिफेंड करना पड़ता है, और वो डिफेंड पॉसिबल नहीं है जब तक हम थारो स्टडी नहीं कर पाते हैं। हमें जो भी एक एक शब्द हमारे होते हैं उस सिनॉप्सिस में, तो शब्द को डिफेंड करना पड़ता है, हर चीज, हर काउंटर क्वेश्चन arguments they ask in the interview and we have to defend it, at any cost you have to defend it. अगर मैं अपने बात को उसमें defend नहीं कर पाते हैं आप, तो हमें rejection की possibility काफ़ी ज़्यादा होती है। तो PhD की interview matter करती है, आप कितना rigorous आप study किए हुए हैं throughout the journey, that matters a lot. That's how it help you to crack the PhD interview, because all about the synopsis best. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सो जैसे कि शशांक बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिग्रस होता है इंटरव्यू, उसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट से फोकस करना है, कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी तभी हम पीएचडी इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। ऑल्सो मैं आपसे जानना चाहूँगा शशांक कि कब आपको ऐसा थॉट आया कि आप टीचिंग एंड रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं, या कौन सा ऐसा टाइम पीरियड था, क्या वो ग्रेजुएशन था, क्या वो पोस्ट ग्रेजुएशन था, जब आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि आप रिसर्च या फिर टीचिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइए। एक्चुअली शुरू से ही मैं काफ़ी सेल्फ स्टडी और अच्छी किताबों पढ़ने का बहुत शौक था शुरू से ही, और हमेशा एक्सपेंड करता था टाइम बुक्स को रीडिंग करना, अच्छी अच्छी किताबों को रीड करना, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई एम एबल टू स्कोर मार्क्स आर नॉट, बिकॉज मैं हमेशा मुझे अच्छा लगता था चीज़ों को समझना, अच्छे से उसको पढ़ना, फिर उसकी क्लैरिटी को समझना, उसके आसपास की सारी चीज़ों को समझना, जो कि मार्क्स स्कोरिंग बेसिस से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि आप उसमें हम लर्न करते हैं चीज़ों को, अप्लीकेशन अपने अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल अप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। तो शुरू से ही रही है, तो मेरा इंटरेस्ट था कि अगर मैं इतना टाइम एक्सपेंड करता हूँ स्टडी के ऊपर, डिफरेंट तरह की किताबों को पढ़ने के ऊपर, तो मेरी जो डेस्टिनेशन है, जो मेरा करियर है, वो मेरे लिए एकेडमिक से बेस्ट रहेगा, क्योंकि एकेडमिक ऐसा करियर है जहाँ पे हम थ्रू आउट लाइफ नए यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, थ्रू आउट लाइफ हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, हमेशा हमें अपडेट होना पड़ता है, उस अपडेट होने के लिए हमें नई नई की चीज़ों को पढ़ना, हमेशा चीज़ों से अपडेट रहना। इसलिए मैंने सोचा कि शुरू से ही, चूंकि मेरा इंटरेस्ट था रीडिंग के लिए,
मैंने सोचा कि एकेडमिक्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है वो रोट लर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, बट सिंस आपका इंक्लिनेशन कंसेप्ट बिल्डिंग पे, एप्लीकेशंस पे और उनके प्रिंसिपल्स पे था, सो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली टीचिंग एंड रिसर्च की तरफ आ गया। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे व्यूअर्स और हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स यंग जनरेशन को ध्यान रखना चाहिए कि कंसेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट को भी क्रिएट कर देता है। और हमें सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे फोकस नहीं करना है कि कितने मार्क्स हम स्कोर कर पा रहे हैं एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, बट ये भी देखना है कि वो जो सब्जेक्ट या कंटेंट जो हमने पढ़ा है उससे कितनी ज्यादा हमने लर्निंग ली है। सो शशांक, आगे बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट असेंशियल चीजें हैं जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए फॉर परस्यूइंग एमफिल या पीएचडी। देखिए, इसके लिए दो चीजें होती है, एक तो लीगल रिक्वायरमेंट जो स्टैट्यूटरी मैंडेटरी होता है, हर यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी अब हम जाते हैं एमफिल पीएचडी अप्लाई करने के लिए तो दो चीज़ें लीगल मैंडेटरी होती है, वो चीज आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, दैट टू विद सम डिसेंट 50% या 55% मार्क्स, एंड सेकंड यू मस्ट हैव नेट जीआरएफ स्कोर। बेसिकली जीआरएफ होता है तो आपके लिए यूनिवर्सिटी प्रमोट करती है, इसलिए कि आपको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देती है एचआरडी मिनिस्ट्री के थ्रू, इंस्टीट्यूशन को नहीं देना पड़ता है। और सेकंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी डिग्री, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट होती है आपके पास नेट जीआरएफ की स्कोर होना चाहिए, नेट जीआरएफ आपके पास होनी चाहिए। और तीसरा जी, तो दोनों तो मैंडेटरी स्टैच्यूरी मैंडेटरी है, स्टैच्यूरी रिक्वायरमेंट है, और एक इंपॉर्टेंट होता है जो मैंडेटरी नहीं होता है वो कि आप कितना अंडरस्टैंडिंग करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, आप कितना परफेक्टली फिट हैं उस एरिया में जहाँ पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप कितना वेल रेड हैं आप जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप कितना चीज़ों से अपडेटेड हैं और कितना चीज़ों को आर्टिकुलेट करना आपको आता है। यदि आपकी आर्टिकुलेशन क्षमता बहुत खूबसूरत है, यदि आपको देखने का प्रिज्म जो है आप जिस प्रिज्म से चीज़ों को देख रहे हैं वो 360 डिग्री एंगल का है, इसका मतलब कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखना रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम एमफिल पीएचडी के लिए तैयारी करते हैं। चीज़ों को देखने का नज़रिया जो प्रिज्म होता है, कोई अगर चीज़ अगर पेपर है, पेपर अगर वाइट है तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ वाइट ही होना सुंदर नहीं है, इसको देखने का एक और तरीका हो सकता है, वो लिखा गया है उसके वजह से वो सुंदर है। तो हमें जो प्रिज्म लेके आना, जिस पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ब्रिंग अप करना चाहिए, हमें शुरू से उस चीज को प्रमोट करना चाहिए, आर्टिकुलेशन एबिलिटी हमें लेके आनी चाहिए, बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट से अलग। तो यहाँ पे शशांक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम पीएचडी की बात करते हैं तो हमें चीजों को 360 डिग्री एंगल या आप कह सकते हैं एक होलिस्टिक अप्रोच से देखना होता है, जो कि जनरली हम नहीं देखते हैं। सो इससे पहले जो भी हम कोर्स करते हैं, दैट इज बीकॉम या एमकॉम, उनको बेसिकली हम एग्जाम क्लियर करने या फिर मार्क्स स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बट जो भी हमारे स्टूडेंट्स पीएचडी परस्यू करने जा रहे हैं या आगे टीचिंग रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा इस चीज के बारे में ध्यान रखना है कि जो भी उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में वो पीएचडी करना चाहते हैं, उनमें उनका इंक्लिनेशन भी होना चाहिए और उन्हें उसे 360 डिग्री अप्रोच से देखना भी आना चाहिए। क्योंकि अगर आप 360 डिग्री से सारे एंगल से नहीं देखते हैं पीएचडी को, सो आप एक अच्छी पीएचडी या अच्छा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में या फिर एकेडमिक और लिटरली वर्क में नहीं दे पाएंगे। सो बहुत ही अच्छा पॉइंट आउट आपने किया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। अब शशांक, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की हमारी क्वेरीज रहती है कि एक बार जब स्टूडेंट्स पीएचडी में या एमफिल में इनरोल करा लेते हैं तो उनकी लाइफ कैसी रहती है, हाउ इज योर लाइफ। कुछ लोग को ऐसे मिथ्स भी हैं कि उनकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, उनकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे थोड़े व्यूअर्स को बताएं कि आपकी लाइफ कैसी, मतलब कि आपका डेली रूटीन है, कि आपको अपने पर्सनल अदर एक्टिविटीज के लिए, अदर पैशन वाली चीजों के लिए टाइम मिलता है, तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए। मोर इम्पॉर्टेंटली, आपके किस सुपरवाइजर के अंडर काम करते हैं और किस एरिया में काम करते हैं, आपका एरिया ऑफ रिसर्च क्या है। अगर हम जनरल बात करें, इरिस्पेक्टिव आप किस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, किस कौन सा सुपरवाइजर आपका है, आप किस एरिया में काम करते हैं, पीएचडी एक ऐसी जर्नी है जो एकेडमिक सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, वन ऑफ द हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री होती है। अब उसको अचीव करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट 3-5 साल टाइम एक्सपेंड करना पड़ता है। अब उस 3-5 साल में हम ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ टाइम एक्सपेंड करने से हमें मिल जाएगा सब कुछ, उसको लाइब्रेरी में जा करके चीज़ों को गहन अध्ययन करना पड़ता है, डिटेल में रीड करना पड़ता है, फिर उसके जर्नल्स को ट्रैक करने पड़ते हैं, बुक्स को ट्रैक करने पड़ते हैं, अदर्स लाइब्रेरी में बैठ करके थीसिस देखनी पड़ती है क्या है क्या नहीं, इन सभी चीज़ों के लिए टाइम रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप टाइम एक्सपेंड करना ही करना पड़ता है। यदि टाइम एक्सपेंड हम नहीं करते हैं तो हम उस इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने करियर से खेल रहे हैं, अपने रिसर्च से खेल रहे हैं, क्योंकि एट द एंड अगर आप पीएचडी डिग्री ओन करते हैं, होल्ड करते हैं, तो क्या आप उसकी ओनरशिप आपके पास है कि नहीं है, ये मैटर करता है। क्योंकि जहाँ भी जाएंगे पीएचडी करने के बाद, कहीं भी एकेडमिक इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको अपने काम के बारे में लोग पूछेंगे आपको, और क्या आप उस काम को अर्न किए हैं कि नहीं किए हैं, ये मैटर करता है। अदरवाइज़
अगर आप फ्रॉम द बिगिनिंग से ही उसमें नहीं लगे होते हैं तो आपको ये चीज़ें एक साल के अंदर आप नहीं कर सकते। तो अगर आप पीएचडी करने के बाद कहीं अप्लाई भी करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है कि क्या किए हुए हैं पीएचडी के अंदर, क्या आप डिग्री को ओन करते हैं एक नहीं करते हैं, जो आपने काम किया उसको डिफेंड कर पाए हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको जिंदगी भर छोड़ने वाली पीछा नहीं है, हमेशा आपके साथ ही लेकर जाएगी। तो जो पीएचडी की डिग्री और जो मेरी टाइटल है जिस पे आप पीएचडी करते हैं वो थ्रू आउट लाइफ आपके जिंदगी के साथ रहने वाला है, थ्रू आउट लाइफ अटैच विथ योर लाइफ। सो वेदर यू आर इन ए पोजिशन टू डिफेंड इट एंड डिफाइन इट दैट यस आई ओन इट, आई हैवंट बाय इट, आई ओन इट, फॉर दैट यू नीड टू एक्सपेंड होल डे टाइम, रेगुलर स्टडी इन लाइब्रेरी, आउटसाइड लाइब्रेरी, इनसाइड लाइब्रेरी, इंटरेक्ट विद स्कॉलर्स, गो टू द डिफरेंट फोरम्स। तो ये जर्नी होती है कि आपको एक्सपेंड करना ही करना होता है। एज फार एज माई इज कंसर्न, मैं चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल में ही रहता हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल से लाइब्रेरी जो डिपार्टमेंट है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हार्डली पाँच मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मेरी जर्नी तो सुबह नौ बजे से रतन टाटा लाइब्रेरी से शुरू होती है और ख़त्म होती है रात को 8 बजे रतन टाटा लाइब्रेरी से ही। तो ऑलमोस्ट 12 घंटे 11 घंटे की होल डे पैक शेड्यूल लाइब्रेरी में ही बीतती है, जहाँ पे हम रेगुलर स्टडी करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, डिबेट करते हैं, कोई इशू नहीं समझ में आ रहा है सुपरवाइजर से मिलते हैं, बच्चों से अदर स्कॉलर से इंटरेक्ट करते हैं। दिस इज हाउ वी लर्न टू ईच अदर, बिकॉज इस लेवल पे आकर के हम अकेले कुछ नहीं लर्न कर सकते। हमें जितना एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें लर्निंग ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ऐसा फोरम है कि आप अकेले कुछ नहीं लर्न कर सकते, अकेले आप ग्रो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें होता है कि आप दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, आप अपनी नॉलेज के साथ शेयर करें। बिकॉज ही इज वर्किंग इन डिफरेंट एरिया, इज वर्किंग इन डिफरेंट एरिया, ही हैज सम स्पेशलाइज्ड जोन, माय आई हैव माय सब स्पेशलाइज्ड जोन्स। व्हेन वी इंटरेक्ट विद ईच अदर एट दिस फोरम वी लर्न, एंड दैट्स हाउ द न्यू एरा ऑफ लाइफ बिगिन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शशांक की जो लाइफ है, जो टाइम टेबल शेड्यूल है, वो काफ़ी ज़्यादा दिग्रस है और ये बार बार एक ही चीज़ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपको आइसोलेशन में नहीं रहना है जब आप अपनी पीएचडी को परस्यू कर रहे हैं। रैदर आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं अदर स्कॉलर से, फैकल्टी से, सुपरवाइजर से, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज एंड लर्निंग्स बढ़ती हैं। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें एक रूम में बंद होकर पढ़ाई नहीं करनी है, बुक्स में अपने आप को डुबाए नहीं रखना है, रैदर हमें लोगों से इंटरेक्ट करना है, क्योंकि जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने मिस आउट कर दी होती हैं या हमारे ध्यान में नहीं आई होती हैं, वो हमें बता सकते हैं। तो शशांक, आई एम श्योर कि आपकी जो शेड्यूल है वो काफी पैक्ड और काफी रिग्रस चलता होगा, तो आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं, या कई बार ऐसा हो जाता होगा कि आप कहीं स्ट्रेस में आ जाते होंगे चीजों को पढ़ते हुए, तो आप किस तरीके से उस स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उसके बारे में कुछ टिप्स दीजिए हमारे स्टूडेंट्स। दो चीजें होती है, एक चीज तो हमें सोचने की एबिलिटीज, क्योंकि इस लेवल पे आकर हमें अगर हम सोचते नहीं है तो इसका मतलब कि इनएक्टिव हैं हम, क्योंकि जितना हम सोचते हैं उतना ही हमारी थिंकिंग आर्टिकुलेशन एबिलिटी बढ़ती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीएचडी के जर्नी में। तो अगर थ्रू आउट डे हमने पढ़ा है, कुछ रिलैक्स करना है, तो या तो हम बेड पर लेट करके मोहम्मद रफ़ी के पुराने गाने लगा लेते हैं, आईपैड चल रहा है, मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं उधर, या फिर गुलाम अली की गज़ल चल रही है, हमको किसके दिल ने मारा वो फाई याद है। फिर आप सोचते रहते हैं गाने की मधुर आवाज़ और आपकी थॉट प्रोसेस, आप बेड पर पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं। सो ये से ये एक होता है रिलैक्स करने का। या फिर रात को हम साइकिलिंग करते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे जब भी हम फ्री होते हैं पढ़ाई करने के बाद हॉस्टल से, मैं तो कैंपस में साइकिलिंग कर लेते हैं, ये अभी हमें स्ट्रेस रिलीज कर लेता है, इससे भी हम रिलैक्स हो जाते हैं। या फिर अगर सैटरडे संडे है तो वॉकिंग पार्क में आकर के यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में, तो ये से रिलैक्स। तो जैसे आप देखिए कि शशांक इतने दिग्गज शेड्यूल के बाद भी टाइम निकाल लेते हैं कि वो गजलें सुन सकें और काफी रोमांटिक गजलें सुनते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों का भी हमारे स्टूडेंट्स का ये मिथ था कि पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो काफी ज्यादा शायरीज भी सुनते हैं, सो हम कोशिश करेंगे कि लास्ट में हम शशांक से कुछ गजलें या शायरीज अगर सुना पाए आपको, पहली चीज तो। और सेकेंड, आप देख रहे हैं कि ये फिजिकल फिटनेस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ये रात को जब भी ये फ्री होते हैं तो साइकिलिंग पे निकल जाते हैं। सो हमें इन सारी चीजों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। सो ऑब्वियसली काफी ज्यादा चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे हमें। अब शशांक, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कई बार हमारे स्टूडेंट्स को ये क्वेरी रहती है कि जहां से हम पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, एज इन जिस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से परस्यू कर रहे हैं, उसका क्या रोल रहता है या उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी पीएचडी डिग्री में, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमारे स्टूडेंट्स। अगर ग्राउंड लेवल पे देखें, ज्यादा बड़ा कंपैरिजन नहीं, अगर हम छोटे लेवल पे देखें जैसे कॉमन इन इंडिया, तो एक यूनिवर्सिटी तो डेफिनेटली एक ब्रांड का अलग सेकेंडरी फैक्टर होता है ब्रांड। पीएचडी के केस में ब्रांड सेकेंडरी फैक्टर होता है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आप रिसर्च क्या करते हैं, कहाँ कहाँ आपकी पब्लिकेशंस हैं, आपकी जो काम है कितनी साइटेड वर्क है, आपकी काम कितना यूनिक है,
ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी के अदर काम को डुप्लीकेशन किया है तो आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगी। और ये पीएचडी का जो काम होता है वो ऐसा कुछ नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी रोल प्ले करती है इसमें आपको रिकग्निशन प्रोवाइड करने में, नहीं। आप देश के किसी कोने से किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं लेकिन आपका काम बहुत ही रेगरस है, आपका काम यूनिक है, आपका काम बहुत ही नोबेल है, आपके काम को पूरी दुनिया अप्रिसिएट करेगी। क्योंकि पब्लिकेशंस के लिए हमें आइडेंटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। जब हमारी पब्लिकेशंस के लिए हम काम कर भेजते हैं तो वहाँ पे हमारी ब्लाइंड रिव्यू होती है, हमारी आइडेंटिटी को छुपा दिया जाता है, वहाँ कोई नहीं जानता रिव्यूअर कि हम कहाँ से हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं कि MIT से हैं कि कैम्ब्रिज से हैं, वहाँ आपकी आइडेंटिटी को छुपा दिया जाता है। तो क्या 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 फैक्टर होता है कि आपने पेपर के अंदर क्या लिखा है, क्या काम किया है, कितना नोबेल है, कितना रिग्रेस है, कौन सी टेक्निक्स आपने कितना रिग्रेस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, अगर इस सारी चीज़ों को फुलफिल करता है तो आपके पेपर्स टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास जर्नल में पब्लिश होंगे। अगर वर्ल्ड क्लास जर्नल में कोई आपका पेपर पब्लिश होता है पूरी दुनिया आपको जानेगी, होल वर्ल्ड यू विल बी अवेयर विथ, यू विल बी नोन टू, क्योंकि आपके काम को पूरी वर्ल्ड पढ़ेगी। तो इसलिए ब्रांड जहाँ तक मैटर करता है, यूनिवर्सिटी की जो ब्रांड होती है वो सेकेंडरी होती है। आपकी पहचान आपके खुद के ताकत के दम पे होती है, आपकी पहचान आपके खुद के काम के दम पे होती है, आप कितना रेगरस काम किए, कहाँ पे पेपर पब्लिकेशन हुआ है आपका। अगर बेस्ट प्लेस पे पेपर पब्लिकेशन होगा ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया आपको जानेगी, इरिस्पेक्टिव आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि यूनिवर्सिटीज की जो रोल होती है ब्रांडिंग की वो सेकेंडरी होती है। एक चीज़ और कह सकते हैं कि यहाँ चूंकि यूनिवर्सिटीज जो ब्रांड हाई लेवल यूनिवर्सिटीज होती है वहाँ पे जो फैकल्टीज होती हैं, फैकल्टीज की जो रोल होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मेंटर होते हैं आपको। बिगिनिंग में आप सब हमको उतना समझ नहीं आता तो क्या करते हैं वो हमें मेंटर करते हैं, बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या रीड करो, कौन सी टेक्निक लगाओ, कैसे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो हमारी प्रस्पेक्टिव को और वो इन्हेंस करते हैं अपनी प्रस्पेक्टिव के साथ। तो यूनिवर्सिटीज का रोल सिर्फ यही होता है कि हाई क्लास वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज जो होती है वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो उस तरह के होते हैं, तो अपने इनपुट के साथ वो ऐड करते हैं। रेस्ट इतनी यूनिवर्सिटी की इतनी कोई ब्रांडिंग की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमें अपनी ब्रांडिंग खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि पब्लिकेशन का काम ऐसा है कि वहाँ पे हमने अपनी रिकॉग्निशन खुद बनानी पड़ती है। तो मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि यूनिवर्सिटी की जो ब्रांडिंग की रोल है वो सेकेंडरी है। सो आई थिंक जो इस पर्टिकुलर आंसर के थ्रू जो हमारे व्यूअर्स को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है शशांक ने, कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अगर हम किसी छोटी यूनिवर्सिटी या किसी कम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं तो हमारी पीएचडी की वैल्यू नहीं होगी। सो इस मिथ को शशांक ने यहाँ पे अपने ओपिनियन के हिसाब से गलत बताया है। वो इस चीज पे बहुत ज्यादा इंफेसाइज कर रहे हैं कि अगर आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है, अगर आपने बहुत अच्छी जगह पब्लिकेशंस की है तो आपकी रिसर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड वैल्यू करेगी। और यहाँ पे इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताया है कि जो रिसर्च पब्लिकेशंस का रिव्यू होता है वो ब्लाइंड होता है, उसमें आपकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि किसी को भी ये पता नहीं होता कि आप किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या किस पर्टिकुलर गाइड के अंदर पीएचडी कर रहे हैं। सो सारा का सारा उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है और जो सारी वैल्यू होती है वो आपकी रिसर्च और आपके काम की होती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम सबको एज अ स्टूडेंट ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने काम पे ज्यादा फोकस करें और ना कि यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी को हमें सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस्टर शशांक ने हमें बताया है वो ये है कि ये जरूर है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में कुछ टॉप नॉच फैकल्टीज होती हैं जो इनिशियली आपको बहुत अच्छे से गाइड और मेंटर कर सकती हैं, बट एक बार जब आप थोड़ा सा समझने लगते हैं पीएचडी को, अपने वर्क को समझने लगते हैं, तो सारा का सारा काम जो आपने किया है एट लास्ट उसी की वैल्यू होती है। तो हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है अपने काम पे रादर देन इंस्टीट्यूशन पे। सो आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि उन्हें ये तो पता होता है कि वो पर्टिकुलर फील्ड लेटर से फाइनेंस में पीएचडी करना चाहते हैं या मार्केटिंग में करना चाहते हैं, बट उन्हें उसके बाद नहीं पता होता कि उन्हें उसे कितने डीपली लेके जाना है या किस तरीके से अपना टॉपिक चूज करना है। तो शशांक प्लीज हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा इसके बारे में गाइड करिए कि क्या अप्रोच होनी चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया चुनने में फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अगर एक एरिया उन्होंने चुन लिया है लेटर से फाइनेंस या मार्केटिंग तो उसमें टॉपिक किस तरह चुनने में क्या उन्हें अप्रोच लेनी चाहिए। सो मैं फर्स्ट एडवाइस करना चाहूँगा कि यदि आप टॉपिक के बारे में बहुत कंसर्न है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस एरिया में काम करें या कैसे करें या क्या टॉपिक सेलेक्ट करें और कैसे उसको गो थ्रू करें, कैसे उसमें डिटेल पढ़ें, मैं फर्स्ट एडवाइस देना चाहूँगा कि आप इस स्टेज पर अगर टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो पहले आप समझिए कि आप कौन सा एरिया आपको बहुत इंटरेस्ट करता है। अब उस ऐसे नहीं होता है कि आपके दिमाग में बहुत अच्छा है कि हम इकोनॉमिक्स मुझे बहुत अच्छा पसंद है, मैं अकाउंटिंग मुझे अच्छा पसंद है, मुझे फाइनेंस अच्छा पसंद है। ये पसंद अपने दिमाग से नहीं, आप रीडिंग करके पसंद होना पसंद कीजिए। ये इस लेवल पे ऐसे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स अच्छा था तो पीएचडी में इकोनॉमिक्स में करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जब रीड करते हैं, रीड करने के बाद अगर आपको इंटरेस्ट बनता है किसी एरिया में तो आप, मैं एडवाइस करूंगा तब उसमें और डिटेल में रीडिंग करना शुरू कीजिए, रादर देन कि मेरी क्लास 12th में 99% थी अकाउंटिंग में तो
तो आई शुड डू पीएचडी इन अकाउंटिंग. नहीं, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए. अगर आपकी ग्रेजुएशन में भले 89% मार्क्स था फाइनेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पीएचडी करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है. आप अपने एक्सपेंड कीजिए टाइम, क्वालिटी टाइम विथ रीडिंग्स, डिफरेंट वर्क्स, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट फोरम, डिफरेंट बुक्स. हर एरियाज में अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, उन किताबों को रीड कीजिए. वो किताबें आपके दिमाग को खोलती हैं, वो किताबें आपको मजबूर करती हैं कि आप 360 डिग्री एंगल से चीज़ों को सोचिए, समझे आप जहाँ हैं, क्या दुनिया वहीं है कि दुनिया उसके आगे है. तो वो अपने शब्दों से, अपनी आइडियाज से, वो आथर्स उन किताबों में आपको दूसरी दुनिया दिखाते हैं. तो जब दूसरी दुनिया को आप देखने लगते हैं, तो आपको समझ में आता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल एक बॉटम है, उसके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है. तो उसके लिए आपको चाहिए होता है कि आप पहले रीड कर लें चीज़ों को, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, ताकि आपको आइडियाज़ आएँ. क्योंकि आइडियाज़ जब तक आपके दिमाग में नहीं आएंगे, पीएचडी वर्क नहीं हो पाता है. तो एक पहला मैं एडवाइस करूँगा कि आप चीज़ों को रेगुलरली रीड कीजिए. जिस भी एरिया में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, रेगुलरली उस एरिया के टॉप जर्नल्स को पढ़िए, टॉप बुक्स को पढ़िए, उनके आइडियाज़ को यूट्यूब पर देखिए. आप EDX चैनल, EDX होते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप चीज़ों को लर्न कीजिए. अगर आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा ये एरिया हमारे लिए, इस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है, तब बात आती है कि हम क्या कोर कंसर्न लें, टॉपिक्स क्या लें. तो जहाँ तक टॉपिक सिलेक्शन की बात आती है, वो डिपेंड करता है कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि फिजिबिलिटी ऑफ द टॉपिक. समटाइम्स आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या उस आइडियाज़ को हम फिजिबल कर सकते हैं विद इन 5 years, 3 years? क्या उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं? क्या हम उससे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास पीएचडी के जर्नी में टाइम लिमिटेशन होती है, हमें लिमिटेड टाइम होते हैं, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल. आप उसके विथ इन दैट ही पीएचडी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक्सटेंशन लेना पड़ता है. उस पीरियड में आपको सबमिट करनी पड़ती है आपकी थीसिस. तो क्या जो आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं वो टाइम विथ इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, डेटा कलेक्ट हो जाएगा, और क्या फिजिबिलिटी है? समटाइम्स प्रॉब्लम आती है डेटा कलेक्शन की. कोई ऐसा टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर प्राइसिंग. अब मान लीजिए कि हमें ये चेक करना है कि कोई कंपनी ट्रांसफर प्राइसिंग फॉलो करती है कि नहीं करती है. अब हमें कैसे पता चलेगा? सेकेंडरी डेटा तो मिलेगा नहीं. इससे कौन सी कंपनी होगी जो ये बताएगी कि हम प्रॉफिट को टैक्स बचाने के लिए अपना पैसा दूसरे कंपनी भेजते हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? CEO का से टॉप लेवल के मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. क्या मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ? अगर नहीं कर सकता हूँ, तो आपकी आइडियाज नोवेल आइडिया है, लेकिन हम अप्रोच नहीं कर सकते. इसका मतलब कि उस आइडिया से हम क्वालिफाई नहीं कर सकते. तो हमें एक साइड रेशनल भी होना है, और दूसरी साइड अपने नोवेल आइडियाज को इंटैक्ट भी रखना है. तो नोबेलिटी और रेशनैलिटी के बीच में हमें अपने आप को एक एडजस्टमेंट बनानी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जहाँ तक टॉपिक सिलेक्शन की बात है. सो मुझे लगता है कि शशांक ने हमें बहुत ही सारे क्वेश्चंस का जवाब एक ही आंसर में दे दिया है अपने. और शशांक बहुत ज्यादा इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे जो मार्क्स आए, चाहे वो 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बेसिस पे अपने सब्जेक्ट या एरिया को नहीं चूज करना है. रैदर हमें पहले बुक्स पढ़नी चाहिए जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट है. और जब अच्छी बुक्स को हम पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग खुलेगा, हमें पता चलेगा कि उसमें कुछ क्या आइडियाज हैं या किन टॉपिक्स पे हम रिसर्च कर सकते हैं. और अगर उनमें हमें इंटरेस्ट आता है तो भी हमें उस आइडिया की तरफ आगे बढ़ के उसमें पीएचडी परस्यू करनी चाहिए. और सेकेंड, शशांक ने ये भी बहुत अच्छा कहा कि कई बार हमारे दिमाग में जो आइडियाज आते हैं वो फिजिबल नहीं होते हैं. जैसे कि उन्होंने ट्रांसफर प्राइसिंग का एग्जांपल लिया है, ऐसे ही करप्शन का भी एग्जांपल हो सकता है कि अगर आप करप्शन पे पीएचडी करना चाहते हैं तो करप्शन का डेटा जनरली आपको नहीं मिलता है. तो कई बार आपके पास सिंस टाइम फ्रेम बहुत लिमिटेड है पीएचडी का, जैसे कि शशांक बता चुके हैं कि 3 से 5 साल का टाइम पीरियड होता है. सो हमें काफी ज्यादा इस चीज पे फोकस करना होता है कि जो हमने पीएचडी टॉपिक लिया है वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, वो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो. फॉर एग्जांपल मैं जिस एरिया में पीएचडी करता हूं, मेरा कॉमर्स से ग्रेजुएट हूं, कॉमर्स से मास्टर्स हूं, कॉमर्स से 10+2 हूं, लेकिन मैं जिस एरिया में पीएचडी करता हूं वो कॉमर्स से कोई मतलब ही नहीं है. मैं काम करता हूं जीडीपी के अल्टरनेटिव के ऊपर, कि मैं क्वेश्चन करता हूं कि जीडीपी देश के प्रोग्रेस को मेजर करने का अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए. अब इसके लिए मैं कैसा होलिस्टिक अप्रोच देता हूं, उसे होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर काम कर रहा हूं, जिसमें हमें फिलासफी भी पढ़नी पड़ती है, सोशियोलॉजी भी मैं पढ़ता हूं, साइकोलॉजी भी पढ़ता हूं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ता हूं. तो देखिए मैं कहां गया मेरा कॉमर्स. कॉमर्स में मैंने 20 पेपर दिए मास्टर्स के लिए, 26 पेपर दिया हम लोगों ने बीकॉम की डिग्री हासिल करने के लिए, और 20 पेपर दिया मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के लिए. 46 पेपर हमने 5 सालों में कंप्लीट किए, एग्जाम दिए 46 पेपर्स का. उसका यूज पीएचडी के लिए क्या है? जस्ट कि बस उन सारे पेपरों ने हमें एक मेंटल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी दिया और कुछ नहीं दिया. उसके अलावा जो हम जिस एरिया में पीएचडी करते हैं बिल्कुल नया है, हमें शुरू से पढ़ना पड़ता है इस एरिया का ककहरा और ABCD हमें शुरू से पढ़ना पड़ता है. तो ये मैटर नहीं करता है कि आपने पढ़ा क्या है, मैटर करता है कि आप किस में इंटरेस्ट लेते हैं, आप उतना लेबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और जो आप सोच रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी है या नहीं है. इन 3 फैक्टर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए आप लोगों को.
तो शशांक इज अ क्लासिक एग्जांपल जहां पे आप देख सकते हैं कि जो उनका पीएचडी टॉपिक है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक है, जहां पे उन्होंने सिर्फ वो सब्जेक्ट्स डायरेक्टली नहीं चूज किए जो हमने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, रैदर उनका जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा अलग है और रैदर एक होलिस्टिक अप्रोच देता है जहां पे फिलोसफी, सोशियोलॉजी और काफी अदर सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ता होगा उन्हें, जो उन्होंने नहीं पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। सो आई एम श्योर कि जो इनसाइट्स आपको आज शशांक के आंसर से मिल रही है या एक्सपीरियंस से मिल रही है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आज के टाइम में जो आप पीएचडी के लिए जाते हैं इस एरा में 21st सेंचुरी में, जो कि दिस इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, अगर इस एरा में आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ स्टिक्ट होकर आप काम करते हैं तो इंटरेस्टिंग नहीं होता है। आज का टाइम ऐसा है कि हर कोई चीजों को मल्टीपल डिसिप्लिन से देख रहा है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि यदि आप अपने पीएचडी की टॉपिक सेलेक्ट करें तो बेटर ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप मल्टीपल प्रिज्म लेके आ सकते हैं एक दूसरे के साथ, तब आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा और उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम भी है आज के टाइम में, आज के जमाने आज के टाइम में इसकी बहुत बड़ी जरूरत है कि उसकी आप मल्टीपल डिसिप्लिन हो रही है कि नहीं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ उसको एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, कि आज के टाइम में हर चीज़ें टेक्नोलॉजी ने दूसरे ब्रिंग कर दिया एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर, अब कोई चीज़ें अलग अलग नहीं रही हैं। तो इसमें इस आज के टाइम में अगर आप पीएचडी के लिए सोच रहे हैं तो इससे टॉपिक सोचिए जो मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर की हो, ताकि उसका बहुत बड़ा स्कोप होगा आने वाला है फ्यूचर में। सो शशांक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पे कि हम जो भी अपना पीएचडी टॉपिक चूज कर रहे हैं उसमें ये भी बहुत अहम रखता है कि करंट किस चीज की रिवोल्यूशन आ रही है, किस चीज के बारे में डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट है। सो अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कनेक्ट कर पाते हैं सारे डिफरेंट एंगल्स को अपने पीएचडी टॉपिक में, तो वो ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारी इकोनॉमी एज वेल एज एकेडमिक लिटरेचर। और एक और हेल्पफुल होता है कि अगर हम 5 साल पीएचडी करते हैं तो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग जाती है, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो काम हमने किया 5 साल पहले 10 साल बाद वो आउटडेटेड हो गया, उसका कोई रिलेवेंसी नहीं है क्योंकि चीज़ें नई टेक्नोलॉजी ने नई चीज़ें लेके आ गई। तो ऐसे जब टॉपिक हम सेलेक्ट कर रहे हैं आज के टाइम में तो ये चीज़ें हम जरूर सोचें कि 10 साल बाद मेरी एग्जिट पॉइंट क्या होगी, जो हमने 5 साल काम किया क्या उसको करी फॉरवर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या 10 साल बाद मैं और क्या क्या चीज़ों में काम कर सकता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना टाइम देते हैं और जब आप पीएचडी करते हैं तो एक माना जाता है कि आप थ्रू आउट लाइफ एकेडमिक्स में ही रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे चीज़ों को, आप रीड करते रहेंगे चीज़ों को, आप अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे लिटरेचर में, एग्जिस्टिंग लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे। तो आज के टाइम ये चीज़ें जरूर सोचनी चाहिए कि 10 साल बाद आज से 5 साल बाद जब पीएचडी कंप्लीट होगी और आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर होंगे तो आपके लिए क्या क्या कुछ और एडिशनल कर सकते हैं, आप एग्जिट पॉइंट बना सकते हैं अपने एरियाज में कि नहीं बना सकते, कि नया ऑल टुगेदर नया एरिया ही लेना पड़ेगा, क्या 5 साल बाद वो चीज़ें आउटडेटेड हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, सिर्फ नहीं कि हमें डिग्री लेनी है पीएचडी की, अगर डिग्री लेनी है पीएचडी की तो वेल गुड, लेकिन अगर आप उसके साथ करियर बिल्डअप करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को देखिए कि मल्टीपल एग्जिट पॉइंट कहाँ है, 10 साल बाद कहाँ, आज से 10 साल बाद कहाँ, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। तो काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म होराइजन पर्सपेक्टिव से आपको शशांक ने बताया कि किस टाइप का अप्रोच हमारा होना चाहिए, क्योंकि अगर जो आप काम करते हैं वो कुछ साल बाद आउटडेटेड हो जाएगा तो कोई उसे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। सो बहुत सही कहा शशांक ने कि आप लॉन्ग टर्म होराइजन के पर्सपेक्टिव से सोचें और उसके अकॉर्डिंग ही अपने पीएचडी को परस्यू करें। सो शशांक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी के लिए इंटरव्यूज चल रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स आए हुए हैं, तो काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी रहती है कि सिनोप्सिस प्रिपेयर करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या क्या असेंशियल चीजें उन्हें ध्यान में रखनी है अपना सिनोप्सिस प्रिपेयर करने में। सो सिनोप्सिस प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ चीजें बताइए हमें। जी हाँ, पहले स्पेसिफिक टू दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पहले क्या होता था यहाँ पे कि आपको सिनोप्सिस सबमिट करनी पड़ती थी, फिर उसकी 7 कॉपीज हमें सबमिट करनी पड़ती थी, फिर वो ब्लाइंड रिव्यू के लिए जाती थी। ब्लाइंड रिव्यू आपका जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता था वो करता था, फिर अगर वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट 3 लोगों के पास ब्लाइंड रिव्यू के लिए जाती थी, अगर उनसे 2 ने एक्सेप्ट किया तो आपका इंटरव्यू कॉल आते थे। ये पहले ऐसा प्रोसीजर था, बाकी लास्ट ईयर से प्रोसीजर को चेंज कर दिया गया है, तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करता है उसको बुलाया जाता है इंटरव्यू का। जहां तक हम सिनॉप्सिस की बात करते हैं, सिनॉप्सिस में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, मेन हेड्स, जो कि सिनॉप्सिस का कोर एलिमेंट होता है, अगर वो नहीं है तो आप सिनॉप्सिस कोई काम की नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का, दूसरा पार्ट होता है लिटरेचर रिव्यू, तीसरा पार्ट होता है रिसर्च गैप, चौथा पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव, पांचवा होता है उसका हाइपोथेसिस, प्रपोज हाइपोथेसिस, छठा पार्ट होता है उसका रिसर्च मेथोडोलॉजी, सातवा पार्ट होता है उसका रिसर्च गैप दैट इज रिसर्च आउटकम, उसके बाद कंक्लूजन, बिबलियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। जो मेन एलिमेंट होता है किसी भी रिसर्च का, किसी भी सिनॉप्सिस का, वो होता है उसका लिटरेचर रिव्यू। अब जितना रिग्रस लिटरेचर रिव्यू, और सारे हेड्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं एक्सेप्ट वन, इंट्रोडक्शन पार्ट को छोड़ दिया तो सारे हेड्स एक दूसरे को फॉलोअप करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिटरेचर रिव्यू, अगर लिटरेचर रिव्यू आप रेगुलसली नहीं किया तो आपको ना रिसर्च गैप मिलेगा,
अगर रिसर्च गैप नहीं मिलेगा तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं फॉर्मुलेट कर पाएंगे, अगर रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं मिला तो आप हाइपोथेसिस नहीं बना पाएंगे, अगर आपके पास हाइपोथेसिस नहीं पता है, रिसर्च गैप नहीं पता है, ऑब्जेक्टिव नहीं पता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल लगा है। अगर आपको स्टैटिस्टिकल टूल नहीं लगाने आता, पता ही नहीं है कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल लगा है, तो आपकी कंक्लूजन, रेफरेंसिंग, बिबलियोग्राफी सब खत्म हो जाएगी। तो जहां तक सिनॉप्सिस की बात है, सिनॉप्सिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेगरस उस थीम के रिलेटेड रेगुलर स्टडी करनी पड़ती है, डिफरेंट जर्नल्स को ट्रैक करने पड़ते हैं, डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ती है, सो दैट यू गेट कि पास्ट में रिसर्च क्या हुआ है और उन पास्ट के रिसर्च में क्या गैप रही हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उन पास्ट रिसर्च में नहीं हो पाई हैं। तो जो चीज़ें नहीं हो पाती हैं वही हमें मिल, वही उसी को बोलते हैं रिसर्च गैप, उसी को हम लिखते हैं रिसर्च गैप के हेड्स में। जो रिसर्च गैप हमें मिलता है उसी के बेसिस पे हम अपनी ऑब्जेक्टिव फार्मुलेट करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव हम फार्मुलेट करते हैं उसी के बेसिस पे हम अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, और जो हाइपोथेसिस और जो ऑब्जेक्टिव होती है उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास मेथडोलॉजी क्या लगेगी, कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल लगेगा, कौन सी डेटा टेक्निक्स लगेगी, डेटा किस तरह के चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज, आप पॉपुलेशन क्या होगी डेटा कलेक्ट करने का, सेकेंडरी डेटा है तो उस डेटा कलेक्ट करने का कौन कौन सा सोर्स होगा डेटा कलेक्ट करने का, उस पर्टिकुलर सोर्स से कौन सा डेटा आएगा, इन सब जब चीज़ें सारी चीज़ें हो जाती हैं तब हमें एक ओवरव्यू मिलता है, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सिनॉप्सिस की। तो सिनॉप्सिस बेसिकली अगर एक शब्द में डिफाइन करूँ तो ये होता है कि आपने 5 साल क्या काम करेंगे अपनी पीएचडी में, उसकी ब्लूप्रिंट होती है, दैट्स कॉल्ड सिनॉप्सिस, कि उसको आप 5 साल अहेड कैसे आप चीज़ों को करी फॉरवर्ड करेंगे। एक उसमें एक और हेड होता है चैप्टर प्लान, जो मैंने भूल गया कि वो आउटकम के बाद एक आता है हेड चैप्टर प्लान, हमें ये देखना पड़ता है कि आपके थेसिस में चैप्टर 1 क्या होगा, चैप्टर 2 क्या होगा, चैप्टर 3 क्या, चैप्टर 4। तो जो सिनॉप्सिस होती है, सिनॉप्सिस ये होती है कि 5 साल आप क्या करेंगे उसकी ब्लूप्रिंट होती है, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना रेगरस चीज होता होगा, कितना रेगरस वर्क होता होगा। तो उसके लिए मैं बेसिकली एडवाइस करूंगा कि जितना उस एरिया के रिलेटेड रेगरसली आप काम कर लेंगे, जितना उस एरिया के रिलेटेड रेगरसली आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ लेंगे, पेपर्स पढ़ लेंगे, बुक्स पढ़ लेंगे, जर्नल्स ट्रैक कर लेंगे, एक जर्नल्स के सारे पब्लिकेशन को ट्रैक कर लेंगे, तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि अब तक जो रिसर्च हुई है उसमें क्या हुई है और किस एलिमेंट को मिसिंग है उसमें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो क्या उस चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया है कि नहीं किया गया। लेट सपोज कोई ऐसा एरिया जो 90s में ही उसका रिसर्च हुई थी, उसके बाद कोई एडिशन नहीं हुआ, तो 90s का जो एरा था और आज का जो एरा है, दैट्स अ बिग गैप। तो क्या जो आज के इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स हैं उसको अगर उस टाइम में एड किया जाए, उस एरियाज में एड किया जाए, नया डायमेंशन लेके आया जाए, तो कैसे चीज़ों को चेंज करेगा। तो जब तक हम रेगुलर लिटरेचर रिव्यू नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चल पाता है कि उस एरिया का रिसर्च गैप क्या है। तो रिसर्च गैप जब हमें पता चल जाता है, उसके लिए रिसर्च गैप को पता करने के लिए मैंने पहले ही बताया कि लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आपको पता करना है कि आपके टाइटल क्या होने चाहिए, आपके रिसर्च पीएचडी रिसर्च की टॉपिक टाइप थीम क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए आप बिना आप लिटरेचर रिव्यू किए आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो थीम हम डिसाइड करते हैं वो डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन रिसर्च गैप। तो रिसर्च गैप के लिए हमें रेगुलर स्टडी करनी पड़ती है थ्रू लिटरेचर रिव्यू। तो मैं जो यही होती है फ्रेमवर्क सिनॉप्सिस के लिए। सो आई एम श्योर कि शशांक ने काफी ज्यादा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि किस तरीके से आपको एक प्रॉपर सिनॉप्सिस बनाना चाहिए। और यहाँ पे जो मैं क्रक समझ पा रहा हूँ शशांक की बातों से, वो ये है कि लिटरेचर रिव्यू का बहुत ही ज्यादा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है इन ऑर्डर टू बिल्ड योर सिनॉप्सिस। तो आप बहुत ज्यादा ध्यान दें कि आप अच्छा सा, बहुत ज्यादा, जितने ज्यादा रिगरस पेपर्स पढ़ सकते हैं, जितने अच्छे क्वालिटी जर्नल्स एंड बुक्स पढ़ सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया की, उतनी ज्यादा पढ़ें ताकि आप उसमें से एक रिसर्च गैप लेके आए और वो रिसर्च गैप ही आपका पूरा बेसिस बनाएगा आपकी होने वाली पीएचडी के बारे में। और एक इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपको एक टेक्निक में बताता हूं जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो क्योंकि क्या होता है कि हमारी ये सारी चीजें नई होती है हमारे लिए और ये सब चीजें हाई स्टैंडर्ड जर्नल्स में छपे होते हैं, तो जो आथर लिखता है वो हाई क्लास उसकी राइटिंग्स होती है, समझना थोड़ा सा लिटिल भी डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम उन पढ़ने के बाद जो चीज़ों को हम पेपर पर लिखते हैं, अपनी एक अपना नोट्स बनाते हैं, तो हमें सिंक्रोनिसिटी देखनी पड़ती है कि थाट की सिंक्रोनिसिटी है कि नहीं है। अगर आप थाट की सिंक्रोनिसिटी, क्योंकि पेपर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर एरियाज में लिटरेचर एड होते रहते हैं, तो हर ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो आथर्स होते हैं अपनी नए पर्सपेक्टिव लेके आते हैं। तो एज ए बिगिनर अगर आप शुरुआत करते हैं और शुरुआत में चीज़ों को पढ़ते हैं, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ों को मेमोराइज करना ऑन द स्पॉट और थॉट प्रोसेस को एक दूसरे के साथ लिंक करना कि उसकी थॉट प्रोसेस इसकी थॉट प्रोसेस के साथ हम कैसे लिंक करें, उसको कैसे सिंक्रोनिसिटी आप थॉट्स को लेके जाएं। तो उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आप क्या कीजिए, जब भी आप पेपर पढ़िए कोई भी कॉलम बनाइए, एक कॉलम रखिए पेपर के नाम का, एक कॉलम रखिए ऑथर के नाम का, एक कॉलम रखिए किस ईयर में पेपर पब्लिश हुआ और एक कॉलम रखिए कि कौन सा जर्नल में वो पब्लिश हुआ। उसके बाद के जो कॉलम रखिए कि उस पेपर की ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पेपर में क्या मेथोडोलॉजी लगाया गया, उस पेपर की कंक्लूजन क्या है और आप क्या समझते हैं, योर अंडरटेक योर टेक।
इन सारे हेड्स को बना लीजिए और जो भी पेपर पढ़िए इस कॉलम को फिलफिल करते रहिए, जो भी पेपर पढ़िए इन कॉलम्स को फिलफिल करते रहिए। इससे ये होगा कि एट द एंड जब 150-30 पेपर्स पढ़ने के बाद आपको दोबारा आप लिखने बैठेंगे तो आपको पहले पेपर के पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपके पास साथ साथ रेफरेंस भी तैयार हो गए, आपके साथ साथ साइटेशन भी तैयार हो गई और साथ साथ आपके कंक्लूजन मेथोडोलॉजी और आपका खुद की टेक समझ में आ गई। तो इससे क्या होगा कि जब लिखने आप बैठेंगे तो उस सारे पेपर्स को दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ उस चार्ट को खोला और देख लिया तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो ये मैं आप फॉलो कीजिए, जब भी आप पेपर पढ़िए अपने एक्सेल शीट बनाइए, इन सारे हेड्स के अंदर हर पेपर्स को फिलफिल करते रहिए सो दैट जब आप लिखने बैठें तो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। तो शशांक ने बहुत ही हमें एक नॉवेल टेक्निक और नॉवेल आइडिया दिया है, जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जैसे जैसे पेपर्स पढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही आपका थीसिस का जो कंटेंट है वो भी साथ साथ प्रिपेयर हो रहा है। सो इसका एक सैम्पल फॉर्मेट हम आप अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे जो आप देख सकते हैं बाद में। सो शशांक, नेक्स्ट जो हमारे नेट जेआरएफ रिसेंटली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं जो अभी पीएचडी इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी के इंटरव्यू चल रहे हैं, सो उनका एक क्वेश्चन रहता है कि हम सिनोप्सिस कैसे प्रिपेयर करें और सिनोप्सिस में कितने पेपर्स उन्हें पढ़ने चाहिए। सो कितने पेपर्स पढ़ने से उन्हें सिनोप्सिस कम बना सकते हैं आसानी से, इसके बारे में कुछ बताइए। सिनोप्सिस के लिए नंबर ऑफ पेपर्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, इसमें हमें पता करना बेसिक एलिमेंट होती है सिनोप्सिस की, मैंने चर्चा किया था, हो गया ना सर, उसके बताना नहीं है वो तो एडिट कर लेंगे। तो उसमें पहले जैसे मैंने पहले बताया सारी स्ट्रक्चर सिनॉप्सिस की, तो उसके लिए जो लिटरेचर रिव्यू होती है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ पेपर्स कितने पढ़े हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, हमें पता करना पड़ता है कि कितने पेपर्स पढ़ने के बाद हमें रिसर्च गैप मिल जा रहा है, वो डिफाइन करती है वो ये उस बेसिस पर आइडेंटिफाई होती है कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि बात करूँ मैं मैनेजमेंट की, एक लीडरशिप एक ऐसा टॉपिक है जिसपे प्लेथोरा ऑफ राइटिंग्स हैं, ह्यूज रिसर्च है, बंडल ऑफ उसमें पेपर्स हैं भरे पड़े हैं, अगर लीडरशिप के ऊपर कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं और उसमें से आपको गैप पता करना है तो 20-30 पेपर्स कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे काम हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं टॉपिक इकोनॉमिक्स की, अगर देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स कैसे रोल प्ले कर सकता है इकॉनमी को एनहेंस करने के लिए, तो इसमें बहुत कम काम हुए हैं। लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कैसे हम कार्बन इमिशंस को मोनेटाइज किए हैं और कास्ट लगाए सो दैट इकॉनमी सस्टेनेबल बने, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बने, तो इन सारे एरिया ऐसा है जिसमें बहुत कम रिसर्च हुई क्योंकि 1990s के बाद तो 1998 में गूगल इस्टेब्लिश हुआ, 2004 में फेसबुक आया, 1994 में अमेजन आया, 1999 में अलीबाबा आया, 90s में एप्पल आया, 85 में माइक्रोसॉफ्ट आया, तो इन सब कंपनीज 1990s के अनवर्ड्स इस्टेब्लिश हुई। इसका मतलब कि जो टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन थी और AI में जो काम हुआ इसके अनवर्ड्स हुआ, इसका मतलब इससे पहले इसका कोई रोल को देखा ही नहीं गया होगा क्योंकि जो दुनिया थी वो GDP ड्रिवन ऑब्सेस थी। तो ऐसा एरिया है जिसमें 20-30 पेपर्स पढ़ने के बाद, कुछ लिमिटेड पेपर्स पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि रिसर्च गैप क्या है और क्या आप ऐड कर सकते हो, आपका रिसर्च कैसे ऐड कर सकता है। लेकिन जो दूसरा एरिया है जिसमें एक मैनेजमेंट है, फाइनेंस, इसमें ऐसे एरिया है जहाँ पे बहुत सारे काम हुए हैं, तो जिस एरिया में बहुत सारे काम होते हैं वहाँ पे गैप पता करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब तक आप रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा काम हुआ होता है, आपको ट्रैक करना पड़ता है सारे पेपर्स। और जो इस एरिया में काम नहीं हुए होते हैं उसमें तो कम रिसर्च होते हैं तो आपको कम पेपर ट्रैक करने पड़ता है, कम पेपर ट्रैक करने के बाद ही पता चल जाता है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि कितना रिसर्च पेपर पढ़ें सो देट हमें पता चल जाए, बेसिक एलिमेंट होती है कि हम कितना जल्दी रिसर्च के पता कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें रिगरस रिसर्च वर्क पढ़ने पड़ते ही पड़ते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे शशांक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पेपर्स क्वांटिफाई नहीं किए जा सकते, रादर ये डिपेंड करता है कि आप किस थीम पे किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत कम काम हुआ है रिसर्च में तो बहुत कम पेपर्स पढ़ के आपको रिसर्च गैप मिल जाएगा, और कोई ऐसा आपने टॉपिक पे किया है जिसमें बहुत ज्यादा ऑलरेडी काम हो गया है तो आपको बहुत ज्यादा लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द रिसर्च गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं शशांक, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे रेगुलर पूछते रहते हैं कि गाइड अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर है या क्या रोल गाइड प्ले करता है उनकी पीएचडी को परस्यू कराने, सो इसके बारे में कुछ हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। ऑल अक्रॉस वर्ल्ड दो तरीके से पीएचडी सुपरवाइज होती है, एक होता है अमेरिकन मोड जहाँ पे क्या होता है कि उसमें चॉइस एक्सक्लूसिवली गोज टू द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जिस एरिया में काम करता है यदि उसको पसंद है ये लड़का या समवन कैन वर्क अंडर दिस एरिया एंड इज वेरी टैलेंटेड, सुपरवाइजर वो जो वो होगा ऑटोमेटिक ले लेगा आपको विदाउट गोइंग थ्रू दिस रेगुलर प्रोसेस सिलेक्शन ऑल एंड ऑल, बाद में रेगुलर प्रोसेस होता रहेगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट पर काम करते रहते हैं। एक होता है UK बेस्ड सुपरविजन, उसमें क्या होता है कि जो सुपरवाइजर गाइड करेगा स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट से, अमेरिकन मोड में क्या है कि स्टूडेंट वर्क करेगा सुपरवाइजर के अकॉर्डिंगली,
उसके इच्छा के अनुसार, उसके एरिया के हिसाब से। यूके मोड में क्या है कि इसमें जो सुपरवाइजर होगा वो स्टूडेंट्स के मोड के हिसाब से काम करेगा, स्टूडेंट्स जिसमें इंटरेस्टेड है उस टॉपिक लेके स्टूडेंट्स आएगा एंड अलाउ सुपरवाइजर। इंडिया स्पेशली, ये भारत में क्या होता है कि हम दोनों मोड फॉलो करते हैं। किसी किसी इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस होती है अवेलेबल कि वो सेलेक्ट कर ले सुपरवाइजर, किसी किसी इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं होता है। खुद जो BRS होती है, बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडी, वो अलर्ट करती है सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर को उस तरह अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ता है। लेकिन किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा कि जो सुपरवाइजर आपको अलर्ट किया जाएगा वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से बाहर होगा या आपके एरिया के बारे में नहीं होगा, आपसे एरिया आपके एरिया से अगेंस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एरिया देखे जाते हैं और आपके एरिया देखी जाती है, एप्लीकेंट जो स्कॉलर होता है उसका एरिया और जो सुपरवाइजर होता है उसका एरिया, अकॉर्डिंगली जो बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडी होती है वो अलर्ट कर देती है सुपरवाइजर को। लेकिन इंडिया में चूंकि जो मोड होता है वो समटाइम्स मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, स्टूडेंट टॉपिक लेके आते हैं और उस अकॉर्डिंगली सुपरवाइजर उसको गाइड कर लेता है। तो ये जो डिफर करता है, बट ऐसा कभी कुछ ऐसा नहीं होगा कि बिना आपके इंटरेस्ट ऑफ एरिया के ही किसी सुपरवाइजर को अलर्ट किया जाएगा, आप मैथमेटिक्स हैं और किसी को मैनेजमेंट का सुपरवाइजर दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैनेजमेंट का ही अगर आप एरिया है तो मैनेजमेंट के ही सुपरवाइजर को दिया जाएगा। ऐसा चीजों को ध्यान रखा जाता है, बोर्ड ऑफ रिसर्च इसी चीजों को ध्यान रखती है। सो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा मिक्स अप्रोच फॉलो होता है ऑल ओवर इंडिया में इन टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सुपरवाइजर्स। तो आपको उससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि शशांक ने ऑलरेडी कंक्लूड कर दिया है कि जो भी आपको गाइड अलॉटेड होता है वो किसी ना किसी तरीके से आपके रिसर्च या आपके रिसर्च टीम से रिलेटेड होता है, तभी वो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएगा। और अगर आपको कुछ एक वर्ड देना है गाइड के बारे में कि क्या रोल गाइड प्ले करता है PhD परस्यू कराने में, तो उसके बारे में कुछ हमारे स्टूडेंट्स। जो रोल सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक सुपरवाइजर का, वो ये होता है कि आपको डायरेक्शन देता है वो, और विदाउट, क्योंकि हमारे पास PhD में लिमिटेड टाइम होते हैं, 3 इयर्स 5 इयर्स में हमें कंप्लीट करना पड़ता है। तो हम शुरू से ही बिना डायरेक्शन के चलें तो पता चले कि हम कहीं पहुंचे ही नहीं, किसी भी कंक्लूडिंग मार्क पे नहीं पहुंचे। तो बिगिनिंग से ही जो सुपरवाइजर का रोल होता है, चूंकि वो उस जर्नी से गुजरा होता है, ही हैज ऑलरेडी कवर्ड दिस लॉन्ग जर्नी, उसके ऑलरेडी सुपरवाइज किया होता है स्टूडेंट्स को, तो उसको पता होता है कि कहाँ पे किसी स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो उस प्रॉब्लम को पहले से एस्टिमेट कर लेता है सुपरवाइजर और उसको डायरेक्शन देता है। उसका रोल यही होता है कि पहले आपको ट्रेनिंग कर दिया, कोचिंग दे दिया, और नाउ फील्ड पे आपको ही बैटिंग करनी है। तो ये रोल होता है सुपरवाइजर का, बस आपको डायरेक्शन देगा, बताएगा कि ये किताब पढ़ लिया तब ये पढ़ो, ये पेपर पढ़ लिया तो ये पढ़ो, तो खुद आपको डायरेक्शन ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो जो रोल होता है बेसिकली सुपरवाइजर को मेंटर करता है आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी आपको डिफिकल्टी होगी, पर्सनल डिफिकल्टीज होगी या फिर एकेडमिक डिफिकल्टी हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है चीज़ों को, ही विल बी देयर टू गाइड यू। बट ऐसा नहीं होगा कि आपके भी आप में वो रीड करेगा, आपके भी आप में वो बताएगा कि आप ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए, बस वो आपको एक डायरेक्शन दे देगा, हमेशा देता रहेगा कि आप ऐसे कर लो, अब ये पढ़ लिया तो ये पढ़ लो, ये बुक पढ़ लिया तो ये पढ़ लो, बिकॉज वो जर्नी से गुजरा होता है। तो ये जो रोल होता है एक सुपरवाइजर का वही होता है, अगर एक वर्ड में मैं कंक्लूड करूँ, कि वो डायरेक्शन देता है आपको, दैट्स ऑल। सो बहुत ही अच्छी चीज़ शशांक ने यहाँ पे बताई कि जो गाइड होता है, जो हमारा मेंटर होता है, वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम बैटिंग की बात करें तो एक कोच हमें बैटिंग स्किल सिखा सकता है, सारी ट्रेनिंग दे सकता है, बट एक्चुअली पिच पे जाके हमें ही बैटिंग करनी पड़ती है। सो बहुत ही सही बात है। अब क्योंकि थोड़ा सा माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, सो थोड़ा सा हम प्लेफुल इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, और आपको इन रैपिड फायर क्वेश्चन का जवाब वन वर्ड में देना है। एंड जैसे कि विद करण में कहते हैं, शुड बी वेरी रैपिड एंड फुल ऑफ फायर, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कुछ आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, कुछ लाइफ के बारे में भी पता चले। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रिसर्च से रिलेटेड ही पूछूंगा कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू लाइक अबाउट योर रिसर्च और PhD? इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट। इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट, सो यस, काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट हो जाता है, सो वो उन्हें पसंद है, ऑलरेडी हम देख सकते हैं जैसे कि उनसे इंटरेक्ट करते हुए। नेक्स्ट, व्हाट इज वन थिंग दैट यू हेट अबाउट योर रिसर्च और PhD? रिजेक्शन ऑफ पेपर्स। रिजेक्शन ऑफ पेपर्स, बहुत ही नॉर्मल बात है कि कोई भी रिसर्च स्कॉलर को सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसका रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो जाता है। वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। नेक्स्ट, हमने अभी अभी गाइड्स के बारे में बहुत कुछ बात करी है, सो अगर एक वर्ड में आपको अपने गाइड को डिफाइन करना है, सो व्हाट विल बी द करेक्ट वर्ड? Superb human being. So I think you are Shashank, you are very lucky because हमें काफी सारे calls आते हैं, तो वहाँ पे काफी सारे scholars जो हैं अलग अलग universities में जो PhD कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उनकी काफी stressful life है, along उनकी काफी ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है। So I'm very glad कि your supervisor is a very good human being. Next मैं बात कर रहा हूँ कि since आप घर से बाहर रहते हैं, so what is one thing that you miss a lot about your home? Definitely homemade food. Homemade food. So आप देख सकते हैं कि क्योंकि शशांक बहुत ज्यादा foodie हैं, और इस बात
आपको मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, बिकॉज आई एम ऑल्सो लिविंग आउटसाइड माई होम, मेरा होम टाउन लखनऊ है. सो आई एम डैम श्योर कि आप बहुत ज्यादा फूड मिस करते होंगे. सो आफ्टर वी आर डन विद एन इंटरव्यू, आई होप कि हमें कुछ अच्छा अच्छा लंच करेंगे साथ में और किसी ढाबे से मंगाएंगे ना कि किसी रेस्टोरेंट से, ताकि अच्छा सा हम खाना खा सकें. शशांक आगे बढ़ते हैं. काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है कि क्या वो साथ में जॉब कर सकते हैं, क्या पीएचडी करते टाइम उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो कहीं पर टीचिंग असाइनमेंट या ले सकते हैं. सो इसके बारे में कुछ बताइए, और अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है, आपने कुछ टीचिंग भी करी हुई है जैसे कि आपने हमें बताया था, तो उसके बारे में भी हमारे स्टूडेंट्स को बताइए. देखिए इसमें डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन, जैसे आप जाएंगे एम्स आईएम्स में और जाएंगे आईआईटीज के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स में, आप दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि दे आर फुल टाइम और पीएचडी. बट ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं है. 7 बजे से आप जॉब भी कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हैं. जैसे मैं था लास्ट ईयर, आई वाज इन दौलतराम कॉलेज में, मैं बीकॉम थर्ड ईयर को पढ़ाता था, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को, फिर हिंदू कॉलेज में भी पढ़ाया थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को. तो जॉब के साथ रिसर्च के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी तो रहती है, बट रिसर्च वर्क सफ़र करता है. इसको वी नीड, दिस इज हार्ड ट्रूथ दैट रिसर्च वर्क सफ़र करता है, क्योंकि उसमें आपको यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, 3 hours 4 hours ओनली आपको एक्सपेंड करने पड़ते हैं. बट अदर यूनिवर्सिटीज में आप जाइए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी चले जाइए, 9 o'clock to 5 o'clock पंचिंग सिस्टम होता है, भले काम हो नहीं हो आप बैठे रहते हैं, 5 बजे के बाद ही आप पंचिंग करेंगे. आप पूरा दिन अगर आप किसी सिस्टम को यूनिवर्सिटी किसी टीचिंग के लिए देते हैं तो आपका रिसर्च वर्क तो सफ़र करता ही करता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी डिफर करती है इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन. जैसे मैंने बताया आईआईटीज में फुल टाइमर होता है, आप किसी भी आईआईटी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ पे फुल टाइमर होता है, यू कैन नॉट गो फॉर जॉब. आईएम्स में चले जाइए आप, वहाँ पे फुल टाइम होता है, यू कैन नॉट गो फॉर जॉब. लाइक दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसे आप खुद बिलोंग करते हैं, वहाँ फुल टाइम है, आपको उसके अलावा जॉब नहीं कर सकते. बट दिल्ली विश्वविद्यालय में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप रिसर्च करने के साथ साथ, क्योंकि पंचिंग सिस्टम नहीं होता है, अटेंडेंस सिस्टम दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं होता है, तो आप फुल टाइम रिसर्च करने के साथ साथ आप जॉब भी कर सकते हैं. जैसा कि मैंने भी लास्ट ईयर दौलतराम कॉलेज में और हिंदू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तरफ काम किया था. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है दिल्ली विश्वविद्यालय में, अदर इंस्टीट्यूशन में So, जैसे आप जान सकते हैं, जैसे शशांक ने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया है कि ये जो चीज है फ्लेक्सिबिलिटी की, ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करेगी. काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशन में फुल टाइम पीएचडी है, जहां पे आपको प्रॉपरली एक सर्टेन डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए इंस्टीट्यूट में ही रहना पड़ता है. और काफी जगह जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से शशांक पढ़ रहे हैं, तो शशांक ने आपने बताया कि वहां पे काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर दौलतराम कॉलेज और हिंदू कॉलेज में भी पढ़ा चुके हैं, तो हम देख सकते हैं कि इन्हें रिसर्च के साथ साथ टीचिंग एक्सपीरियंस भी काफी है. अब शशांक, देयर इज वन क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जीआरएफ जो है वो पीएचडी स्कॉलर्स को मिलती है जिन्होंने नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया होता है. सो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेरी रहती है कि एक बार जब वो पीएचडी में इनरोल करा लेते हैं तो काफी ज्यादा पेपर से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड उनको एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इज द स्टाइपेंड जो यूनिवर्सिटी से मिलती है या जो जीआरएफ स्कॉलरशिप मिलती है, इज इट सफिशिएंट टू कवर ऑल योर लिविंग एज वेल एज रिसर्च एक्सपीरियंस रिसर्च एक्सपेंसेस? सफिशिएंट नहीं होता, डिपेंड करता है कि हम कहाँ रह चुके. अगर हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो आपको बाहर रहते हैं, फ्लैट लेके दिल्ली में अगर रहते हैं 15-20 हज़ार रुपये तो रेंट में ही चले जाते हैं, खाना पीना आपको खाना होगा फिर, तो उसके हिसाब से देखें तो इतना सफिशिएंट तो नहीं है. लेकिन अगर हॉस्टल में रहते हैं तो आपके लिए थोड़ा मोड़ा सेविंग हो जाती है, बट अगर बाहर रहते हैं तो इतना तो नहीं हो पाता, क्योंकि आप फ्लैट के लिए पैसे देते हैं, रेंट देते हैं और बाकी सारे एक्सपेंडिचर होते हैं. तो चूंकि अभी एचआरडी मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट भी किया बढ़ाने के लिए, कुछ पैसा भी बढ़ाया 7-8 हज़ार रुपये, तो बट ठीक है, अपना काम धंधा चल जाता है, इतना भी कम नहीं मिलता है और इतना सफिशिएंट भी नहीं मिलता है, तो इतना मिल जाता है कि ठीक है, आप नॉर्मल लाइफ सस्टेन हो जाती है. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी हो जाती है, बट आप अपनी लग्जरीज को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जो कि ऑब्वियसली रिसर्च स्कॉलर्स की लाइफ है जो बहुत स्ट्रगल फुल मानी जाती है. तो ऑब्वियसली आप बेसिक सस्टेनेबिलिटी के लिए आपके पास इनफ इनकम है, बट आप अपनी लग्जरीज को फुलफिल नहीं कर पाएंगे. आई एम श्योर कि एक बार जब हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी पीएचडी तो हम वो सारे नेसेसिटीज को अफोर्ड कर पाएंगे. सो बहुत अच्छी चीज है ये. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है इस टाइम पे, वो ये है कि क्या रोल प्ले करता है हम जो रिसर्च करते हैं, क्योंकि फाइनली मैक्सिमम लोग जो रिसर्च या पीएचडी परस्यू कर रहे होते हैं वो फाइनली किसी इंस्टीट्यूट को जाके ज्वाइन करते हैं, वहां पे टीचिंग करते हैं. सो कितना रोल प्ले करता है रिसर्च उनकी टीचिंग में? देखिए जहां तक टीचिंग की बात है, कंटेंट डिलीवरी क्लासरूम में डिपेंड करती है कि टीचर कितना नॉलेजेबल है, कितना पावरफुल है अपने नॉलेज को लेकर के, उसके पास कितना कंटेंट लोडेड है. जितना ही वो कंटेंट लोडेड होगा और डिलीवरी स्किल उसकी अच्छी होगी, क्लास उतना ही इंजॉय करेगा. तो कंटेंट लोडिंग के लिए रिगरस स्टडी और रिसर्च बहुत हेल्पफुल करता है. रिसर्च एक ऐसा मीडियम है
जिसके साथ आपके पास बहुत सारे कंटेंट आते हैं। तो यदि आपके पास कंटेंट काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, आप कंटेंट लोडेड हैं और डिलीवरी स्किल है आपके पास, तो क्लासरूम आपके फिंगर पे चलेगी, क्लासरूम आपके इशारों पे चलेगी, स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहेंगे क्लासरूम में आने के लिए। लेकिन अगर आपके पास स्किल डिलीवरी भी नहीं है और कंटेंट भी नहीं है, तो क्लास में स्टूडेंट्स नहीं टर्नअप होते, क्योंकि ये जिस लेवल पे आप टीचिंग करते हैं पीएचडी करने के बाद, वो 10+2 के बच्चे नहीं होते हैं जहाँ पे स्कूल में अटेंडेंस की जब कंपलसरी होती है, अटेंडेंस फ्री होता है, आप आया चाहे ना आए, टीचर जो है यही डिफरेंस होता है एक टीचर और एक प्रोफेसर में। आप जब पीएचडी करते हैं तो प्रोफेसर बनते हैं, टीचर आप जूनियर सेक्शंस को पढ़ाते हैं। टीचर हमेशा क्लास के आउटकम के लिए अकाउंटेबल होता है, प्रोफेसर क्लास रूम के आउटकम के लिए अकाउंटेबल नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं शशांक। सो एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि क्या उन्हें पीएचडी कुछ सर्टेन वर्क एक्सपीरियंस एज अ लेक्चरर पढ़ाने के बाद करना चाहिए, या फिर डायरेक्टली अपने मास्टर्स के बाद उन्हें अपने पीएचडी में इनरोल करा लेना चाहिए, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि एक्साइटेड नहीं होना चाहिए अर्ली स्टेज में पीएचडी करने को लेकर के, बिकॉज लुक एट द आउटकम, हम पीएचडी क्यों करते हैं? अगर आप डिग्री के लिए पीएचडी करते हैं ठीक है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, जितना जल्दी एज में आएंगे, लेकिन आप रियली इनग्रोस्ड होकर पीएचडी करते हैं, जिससे आप ये जानना ये चाहते हैं कि आपके काम के वजह से दुनिया आपको जाने, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है बहुत रेगरस वर्क। आप अगर एक्सपीरियंस के साथ आते हैं ना, तो आप चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता बहुत लार्ज कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको हेल्पफुल होती है आपके राइटिंग स्किल में, आपके आर्टिकुलेशन में, आपके एनालिटिकल एबिलिटीज़ में, देखने का जो प्रिज्म है जिसकी हम चर्चा बहुत पहले कर रहे थे, वो और ब्रॉडन हो जाता है। तो मैं तो प्रीफर आपको एडवाइस करूंगा कि आप अगर डिग्री के लिए आना चाहते हैं, जल्दी से कंप्लीट पीएचडी कंप्लीट हो जाए, सो दैट आपके परमानेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए, तो आप अर्ली एज में आ जाइए। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि आपके पीएचडी के काम के वजह से, आपके नॉलेज के वजह से, आपके पब्लिकेशंस के वजह से दुनिया आपको जाने, एकेडमिक वर्ल्ड आपको जाने, तो मैं बेसिकली प्रीफर करूंगा कि आप एक्सपीरियंस होकर के ही आइए, सो दैट आपको देखने का तरीका, रीडिंग करने की क्षमता, एनालिटिकल एबिलिटीज, एनालिसिस करने की एबिलिटीज बढ़ जाती है। तो ये एक फायदा होता है जब आप एक्सपीरियंस होकर के आते हैं पीएचडी करने के लिए। सो यहाँ शशांक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें दिखाया है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्यों समझता हूँ, क्योंकि शशांक ऑलरेडी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मास्टर्स के बाद परस्यू किया है, लेकिन अगर उसके बाद ही आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको एक एक्सपीरियंस के बाद आना चाहिए ताकि आप ज्यादा 360 डिग्री अप्रोच से रिसर्च को देख पाते हैं, तो आई एम श्योर कि ये जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया या जो ये सजेशन है इनका, ये बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। अब शशांक, मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा हमारे इंटरव्यू के, कि बहुत ज्यादा पब्लिकेशन के बारे में बात कर दी गई है, तो हम चाहेंगे कि आप कुछ अपने पब्लिकेशंस के बारे में बताएं। आपने कुछ, क्योंकि काफी ज्यादा पब्लिकेशंस करी हैं, काफी अच्छी जगह पब्लिकेशंस करी हैं, सो उस चीज के बारे में बताएं कुछ हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि वो आपसे इंस्पिरेशन ले सके। जी, मेरी एक अभी रिसेंटली बुक आई है 10 डेज बैक कि इन डिफेंस ऑफ इंक्लूजन ऑफ हैप्पीनेस इन पब्लिक पॉलिसी फॉर इंडिया। ये पूरी किताब है, स्मॉल बुक है, 92 पेज की है। तो ये किताब छापी है इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन ने, जो कि भारत की थिंक टैंक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइज करती है कि क्या चीज़ों को पब्लिक पॉलिसी में लेके आने चाहिए, इंटरवेंशंस वो करती है, डिफरेंट थिंक टैंक है बेसिकली। तो ये एक मेरा किताब है। उसके अलावा मैं राइटिंग्स लिखते रखता हूँ। अभी मेरी रिसेंटली एक आर्टिकल आने वाली है, एस्पिरेशनल इंडियंस न्यू इंडिया थ्रू $5 trillion इकानमी, एक दी ओपन करके इकानमी की मैगजीन है, उसमें आने वाली है। उससे पहले मैं 8 मार्च को एक आर्टिकल लिखा था, जेंडर पैरिटी थ्रू प्रिज्म ऑफ ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिस दिन वुमेन इंटरनेशनल डे था, ये कॉलेज में मैगजीन्स में आया था। अब तक मैं पीएचडी को लेकर के पीएचडी काम्स को कहीं पब्लिकेशंस नहीं दिया हूँ अब तक, रीजन इज की मैं नहीं चाहता कि कहीं छोटे छोटे जर्नल्स में पब्लिकेशंस करा कर नेसेसरी काम को ख़राब किया जाए। मैं बेसिकली टारगेट कर रहा हूँ अपने टॉप क्लास जर्नल्स को लेकर के, और टॉप क्लास जर्नल में पेपर पब्लिश कराना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो 2 साल 2.5 साल 3 साल मिनिमम लग ही जाते हैं उनके रिव्यू और रिजेक्शंस, फिर उनको इनकॉर्पोरेट कीजिए, फिर चेंज कीजिए। तो अब तक तो बाकी के मास्टर्स में मेरे पब्लिकेशंस हैं जो इंडियन जर्नल्स में हैं, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के मेरा एक पेपर है, मेक इन इंडिया को ऊपर लेकर पेपर है, ब्लैक इकानमी को लेकर के पेपर है, डीमोनेटाइजेशन पर लेकर के पेपर है, इस तरह से पेपर है। लेकिन सारे पेपर्स मेरे मास्टर्स टाइम, जब मैं मास्टर्स में था तब के पेपर्स हैं। पीएचडी में मेरे सिर्फ आर्टिकल्स आए हुए हैं, 4-5 बुक्स आई हुई है, कोर पेपर्स अभी तक तो नहीं है, क्योंकि सारे सारे इन प्रोसेस में है, तो डेल टेक टाइम।
तो यही सारे हैं। सो बट स्टिल शशांक, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू रैदर कि अभी आप अपनी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं और उसके साथ ही आपने इतनी ज्यादा बुक्स एंड पब्लिकेशंस एंड आर्टिकल्स इतनी अच्छी अच्छी जगह जो कि इंडियन पॉलिसी और थिंक टैंक से रिलेटेड है, तो आई एम श्योर दैट्स अ वेरी रिमार्केबल थिंग। एंड काफी जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आज हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका जो इंटरव्यू देख रहे हैं, वो काफी आपसे इंस्पिरेशन लेने वाले हैं। आई एम श्योर कि जितने भी आज हमने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर आपने बहुत ही सिस्टमैटिक और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिया है और वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमारे स्टूडेंट्स को। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ अनुज जिंदल टीम फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। के बाद कुछ अगर आप रैदर हमारे टिप्स देना चाहें अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू कुछ हमारे बडिंग रिसर्चर्स को कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या अदरवाइज कुछ स्मॉल टिप्स अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहें तो आप प्लीज दे सकते हैं। स्ट्रेस से अननेसेसरली स्ट्रेस थोड़ा सा होना चाहिए जब तक आपको लगता है कि स्ट्रेस की वजह से आप बढ़ पा रहे हैं, आपको लिए पुश कर रहा है वो स्ट्रेस, लेकिन बियॉन्ड लिमिट नहीं होना चाहिए क्योंकि बियॉन्ड लिमिट स्ट्रेस डिसफंक्शनल हो जाता है। सो जब वो डिसफंक्शनल हो गया तो आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही निगेटिव हो जाएगी, जो आपके लिए जब अचीव करना चाहते हैं वो तो होगा नहीं। तो स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ तक रिसर्च की बात है आप प्रेजेंट में रहिए और हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए, खूब पढ़िए, खूब खाइए, खूब एंजॉय कीजिए और स्वस्थ रहिए। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड सजेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर शशांक कि आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज्यादा जरूरत नहीं है, आप रिसर्च कर रहे हैं बिल्कुल कूल और चिल होके करिए, खूब पढ़ते रहिए, खूब इंग्रॉस रहिए अपने रिसर्च में, ज्यादा स्ट्रेस भी रिसर्च को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर लेने से चीजें खराब हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच शशांक फॉर बींग विद अस। आई होप कि आपको हमारे क्वेश्चन और हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी नया सीखा है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनुज जिंदल बाय क्लिकिंग ऑल द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। Thank you and have a nice day.